दोस्तों मनरेगा के काम में मेट यानी कि सुपरवाइजर बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो मेट या फिर सुपरवाइजर के सैलरी कितना है ये आज के वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। कितना सैलरी है, कैसे कैलकुलेशन होता है, सारे डिटेल्स आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं मनरेगा का जो काम करने वाले मेट यानी सुपरवाइजर है उनका कोई फिक्स सैलरी यानी कि कोई निर्धारित सैलरी नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ये काम के ऊपर निर्भर करता है और हर एक राज्य में अलग अलग उनको पेमेंट मिलता है। या दोस्तों एक बात क्लियर हो जाइए कि मनरेगा में काम करने वाले कोई भी मेट या फिर सुपरवाइजर का कोई निर्धारित सैलरी नहीं होता है। तो उनको कैसे पेमेंट मिलता है, किसके ऊपर निर्भर करके उनको पेमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे उनको पेमेंट देने में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है अनस्किल वेज, यानी कि जो अदक्स लेबर से मजदूर है उनका क्या वेज रेट है, उनको क्या पर डे मिलता है पेमेंट, उसके ऊपर डिपेंड करके मेट या फिर सुपरवाइजर को पेमेंट मिलता है। तो हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखेंगे कि अभी इस साल का यानी कि 2023-24 का वेज रेट देखेंगे कि अध्यक्ष लेबर का कितना वेज रेट है। तो यहाँ पे देखिए हर एक राज्य में अलग अलग है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम मध्य प्रदेश के मामले में देखते हैं 221 रुपये है वेज रेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि हर एक राज्य में अलग अलग वेज रेट है यानी कि अध्यक्ष लेबर का मजदूरी है, तो मेट या फिर सुपरवाइजर का पेमेंट भी अलग अलग होगा। मतलब पर डे जो उनको पेमेंट मिलने वाला है वो भी अलग अलग होगा हर एक राज्य में। तो कैसे कैलकुलेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए हम मध्य प्रदेश को ही उदाहरण के तौर पे लेते हैं, 221 रुपये है अनस्किल। तो यहाँ पे देखिए मेट या सुपरवाइजर को अनस्किल लेबर का 1.5 गुना पेमेंट मिलता है। मतलब कि टोटल में 1.5 गुना नहीं, पर डे सपोज़ यहाँ पे मध्य प्रदेश के मामले में पर डे 221 रुपये है अध्यक्ष लेबर का मजदूरी, तो मेट या फिर सुपरवाइजर को पर डे कितना मिल सकता है वो है 1.5 गुना अध्यक्ष लेबर का 1.5 गुना यानी कि 221 गुना यानी कि यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे लगभग 331 रुपये इतना आएगा। तो ये है पर डे मेट या फिर सुपरवाइजर को मिलने वाला है मध्य प्रदेश में। तो हर एक राज्य में सेम ऐसे ही अलग अलग कैलकुलेशन करके अलग अलग पेमेंट ही मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन अगर हम करें तो पर डे मेट का यहाँ पे रेट आ रहा है, देखिए यहाँ पे 331 रुपये 50 पैसे, तो ये पर डे मिलने वाला है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि वो कितना दिन काम करते हैं या फिर कितना दिन काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उनको अलग से कोई काम तो नहीं करना पड़ता है, वो सिर्फ सुपरवाइजर ही काम करते हैं अध्यक्ष लेबर के, NSF से अटेंडेंस लेते हैं, पूरा काम को सुपरवाइज करते हैं। तो ये कैसे पेमेंट उनको मिलता है, तो देखिए हर 50 अनस्किल लेबर परसेंटेज के ऊपर यानी कि श्रम दिवस पे एक मेट या फिर सुपरवाइजर का श्रम दिवस यानी कि परसेंटेज निकलता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक स्कीम में या फिर एक वर्क में, कोई भी मनरेगा के वर्क में अगर मान लीजिए कि 100 या फिर 200, मान लीजिए कि 100 परसेंटेज जनरेट हुआ, श्रम दिवस तैयार हुआ, तो उसमें मैक्सिमम 2 श्रम दिवस मेट या फिर सुपरवाइजर को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मान लीजिए कोई भी स्कीम में अगर 100 यानी कि 100 श्रम दिवस यानी कि अध्यक्ष लेबर का मजदूर का श्रम दिवस निकलता है, तो वहाँ पे उस काम में मैक्सिमम 2 श्रम दिवस मेट यानी कि सुपरवाइजर को मिल सकता है। यानी कि उनको कितना पेमेंट मिल सकता है, 2 गुण 331 रुपये 50 पैसे, ये मध्य प्रदेश के मामले में। दूसरे राज्य के मामले में ये आप
पिछला जो मैंने कैलकुलेशन दिखाया पर डे कितना उनको पेमेंट मिल सकता है, वहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि 50 श्रम दिवस यानी कि अध्यक्ष लेबर के श्रम दिवस के चलते एक मेट या फिर सुपरवाइजर का श्रम दिवस निकल सकता है। तो यहाँ पे टोटल 100 यानी कि 100 श्रम दिवस तैयार हुआ है। तो 100 डिवाइडेड बाई 50 तो यहाँ पे आता है 2, तो 2 श्रम दिवस मेट यानी सुपरवाइजर को मिल सकता है। तो टोटल कितना हुआ, 2 × 331.50 रुपये, तो यहाँ पे कितना आता है, लगभग 663 रुपये लगभग यहाँ पे मेट या फिर सुपरवाइजर का पेमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे तो इस हिसाब से अगर मान लीजिए कि कोई स्कीम में वर्क में अगर मान लीजिए कि 1,500% यानी कि श्रम दिवस का काम हुआ है, तो वहाँ पे हमें कितना मेट यानी सुपरवाइजर का श्रम दिवस वहाँ पे निकल सकता है। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, 1,500 / 50 यानी कि 50, तो इतना आता है कि 30 दिन का यानी कि 30 श्रम दिवस का पेमेंट मेट या फिर सुपरवाइजर को मिल सकता है। यानी कि 30 श्रम दिवस यानी कि 30 × 331.50 रुपये, क्योंकि वही पर डे रेट है मेट या फिर सुपरवाइजर का। तो यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन दिखाता था हूँ, 1,500 / 50 तो कितना आता है, 30 दिन, तो 30 दिन का पेमेंट उनको मिल सकता है। तो 30 दिन यानी कि 30 × 331.50 रुपये, तो पेमेंट कितना होगा, 331.50 रुपये × 30 यानी कि यहाँ पे लगभग 9,000 के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैलकुलेशन में, तो यहाँ पे आता है 9,945 रुपये लगभग यहाँ पे आता है। तो ये टोटल उनको पेमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान देना होगा कि पूरा एक स्कीम एक सुपरवाइजर द्वारा तो नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे कम से कम 2 या 3 सुपरवाइजर वहाँ पे एंगेज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 9,945 दिन का पेमेंट उनको मिल सकता है, 1,500 अनस्किल यानी कि अध्यक्ष मजदूरों के काम में। तो 9,945 रुपये उनको टोटल में मिल सकता है। इसमें अगर मान लीजिए कि 2 सुपरवाइजर या फिर 2 मेट या फिर 3 मेट ने काम किया है, तो यही रुपए टोटल ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि 2 सुपरवाइजर या मेट ने काम किया है, तो यही 9,945 रुपये ये दोनों में भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एक को कितना पेमेंट मिल सकता है, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर 2 सुपरवाइजर या मेट ने काम किया है, तो यहाँ पे दोनों को अगर समान भाग मिलता है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 9,945 / 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आता है लगभग पे 2 अगर मेट काम करते हैं, तो यहाँ पे लगभग 4,972.50 रुपये, यहाँ पे देखिए 4,972.5 यानी कि 4,972.50 रुपये 2 मेट सुपरवाइजर काम करते हैं। तो अगर 3 सुपरवाइजर या मेट काम करते हैं, तो वहाँ पे लगभग 3,300 के करीब यहाँ पे एक एक को मिल सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने देखा कि मेट यानी सुपरवाइजर का पेमेंट निर्धारित होता है, और यहाँ पे आपको जो भी मेट या सुपरवाइजर का पेमेंट मिलने वाला है वो भी मस्टरल द्वारा ही किया जाता है, कोई अलग से नहीं किया जाता है या फिर डायरेक्ट नहीं किया जाता है, मस्टरल द्वारा ही किया जाता है जो कि बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से मेट यानी सुपरवाइजर का मनरेगा में काम करने की वजह से कितना पेमेंट मिलता है, कैसे मिलता है, उसका टोटल कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे दिखाया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।